नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। एमआईएस स्कीम से करें अच्छी कमाई, गरीब किसान उठाएं लाभ। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च, किसान खुद दर्ज कर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा। दूध पर एमएसपी की मांग, 50 रुपए लीटर हो दूध का न्यूनतम मूल्य। गरीबों को मिलेंगे 12,000 रुपए, ऐतिहासिक स्थानों की कर सकेंगे यात्रा। अब खबरें विस्तार से। पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत कम से कम 1,000 और अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक का निवेश करके आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर 6.6% की दर पर ब्याज मिलता है और योजना की मैच्योरिटी की अवधि 5 साल होती है, जिसके बाद इसे बंद या आगे बढ़ाया जा सकता है। ये स्कीम आपके पैसों को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। आप अपनी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप योजना में 3.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो हर महीने 1925 रुपए ब्याज मिलेगा और 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल में आपको लगभग 66,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान अब खुद ही फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। पोर्टल पर किसानों को फसल खराब होने पर फोटो के साथ जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बाद 48 घंटे के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारी खेत का सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पर पटवारी मोबाइल पर SMS भेजकर किसानों को फसल नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। नुकसान का मुआवजा भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ओलावृष्टि, भूकंप, बादल, फटना, कीट का हमला, भारी बारिश आदि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। ओडिशा के दूध उत्पादक किसान दूध पर MSP देने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि दूध की MSP 50 रुपए प्रति लीटर तय की जाए। इसके लिए दुग्ध संघ ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को ज्ञापन भी सौंपा है। इस पर किसानों का कहना है कि दूध के 50 रुपए प्रति लीटर दाम होने से उत्पादन का सही मूल्य मिल सकेगा। किसान भोजन और एकीकृत बाल विकास सेवाओं में दूध और दूध पर आधारित उत्पादों जैसे पनीर को शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों को कुपोषण से दूर रखा जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना चला रही है। इसके तहत श्रमिकों को ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थानों की यात्रा करने पर 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वेतन कम होने के कारण श्रमिक यात्रा नहीं कर पाते, इससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। श्रमिक के साथ उसके परिवार के अधिकतम 6 सदस्य यात्रा कर सकते हैं। श्रमिक संपूर्ण सेवा काल में सिर्फ एक बार ही योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आप वेबसाइट upbocw.in.index पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और खेती बाड़ी व किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।